ये बेसिकली मेडोज़ हैं यहाँ पर, तकरीबन 1-1.5 घंटे की यहाँ पर हाइक है। पर रुहान भाई जो है ना, आप फर्स्ट अपीयरेंस है मेरे साथ है। मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खवातीन हज़रात। लेकिन आप सब फिट फाट होंगे, आपका भाई भी एकदम फिट फाट चका चकास है पहले की तरह, और आप भाई का चैनल देख रहे हैं सोहेब इकबाल का। तो ऐसा है कि यार न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ये न्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारी कश्मीर सीरीज चल रही है, और हमारा एक डिस्ट्रिक्ट रह गया जो कि नीलम वैली है, और हम नीलम वैली को जहाँ तक हो सका प्रॉपरली उसको एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचर करेंगे ऑन बाइक। इसकी कैपेबिलिटी भी चेक हो जाएगी कि यार ये क्या सीन है। मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त हैं रुहान भाई, जिन्होंने इस टाइम कैमरा पकड़ा हुआ है, और अभी हम दिखाएंगे उनको भी, और फिर आप देख के मुझे बताइएगा कि यार ये कामयाब है कि नहीं बाइक, ठीक है। और इसके साथ ही साथ तो आपको जैसा कि पता है कि मैं बाइक यहाँ पर मरी में छोड़ गया था, और यहाँ पर ही रही है बेचारी, और इसको मैंने बड़े प्यार भरी नज़रों से देखा, कवरअप हुई हुई थी। तो यहाँ पर मेरे पे सामान भी पड़ा हुआ था, ये बॉक्सेस भी थे और हेलमेट भी था, इसमें उली लगी हुई थी। और मेरे हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं बचपन के, उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया था, ये विजन ये कंपनी है जिसके अंदर हेलमेट वाइजर, गूगल की क्लीनर है, और इसके अलावा वैसे क्लीनर है, हेलमेट हो गया या कोई भी चीज़ है उसको, शूज़ हो गए, वट एवर जो भी ग्लव्स हो गए, और ये है सैनिटाइज़र। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ इस चीज़ का कि इसको मैंने हेलमेट को साफ़ किया, अंदर से स्प्रे किया, और ये प्रॉपरली इसको पैडिंग उतारनी नहीं पड़ी, स्प्रे किया, हल्का ब्रश मारा और इसको कपड़े से साफ़ कर लिया, दैट्स इट। बॉक्सेस के अंदर, इसके बॉक्सेस के अंदर कवर हैं जो कि उतर जाते हैं, उनको वॉश करके मैं फिर उसको सुखाता, टाइम लगना था, लेकिन मैंने इसको जस्ट स्प्रे किया, ब्रश अप किया और जस्ट साफ़ किया, और ये हवा की तरह उड़ गया। पहले वो गीला सा हुआ लेकिन ये हवा के साथ उड़ गया, खुश हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया। तो मैं विद इन 10 मिनट्स में मैं फ्री हो गया। तो ये प्रोडक्ट्स हैं माशाल्लाह, इनका प्रॉपरली फुली रिव्यू भी करेंगे डिटेल के साथ। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बताना था कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं, बड़े फिट हैं। एनीवेज अब हम चल रहे हैं अपनी नीलम सीरीज़ की तरफ, स्ट्रेट ट्यून रहिएगा, कंटिन्यू हम करते हैं अपने कहाँ कहाँ जाते हैं वो आपको इस सीरीज़ के अंदर पता लगेगा। शुक्र है ये सड़क भी तमीर होगी, पिछले साल तक ये सड़क जेरे तमीर थी। बात हो रही है मरी कोहला रोड की। हमें तकरीबन 50 मिनट हो गए मरी से निकले हुए। मरी से दो रास्ते कोहला की तरफ जाते हैं, एक भूरबन वाला जो कि छोटा है पर कदरे तंग रास्ता है, दूसरा लोअर टोपा वाला जिस पर हम अभी कामजन हैं। कोहला का मरी से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है, और कोहला से आगे मुजफ्फराबाद का भी 1 ही घंटे का रास्ता है। जैसे ही कोहला के ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो कश्मीर की हदूद शुरू हो जाती है। तकरीबन 2.25 घंटे में मुजफ्फराबाद पहुंच गए, वहां दाएं हाथ मुड़ गए जो गूगल हमें रास्ता बता रहा था। दाएं हाथ श्रीनगर रोड है जो लीपा वैली को भी रास्ता जाता है। फिर कुछ देर बाद हम लेफ्ट मुड़ गए जैसे जैसे हमें गूगल बताई जा रहा था। दराए जेहलम को क्रॉस किया, फिर मुजफ्फराबाद की शहर की गलियों से गुजरते हुए पीच नासी वाली रोड पर आ गए। रास्ते में हमने क्रिकेट ग्राउंड का भी नज़ारा किया जो बहुत ही खूबसूरत मनाजर पेश कर रहा था। कुछ देर बाद दूर से मैच देखा और आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जैसे ही मुजफ्फराबाद के मुजाफात से निकले तो भाई क्या ही खूबसूरत रास्ता और नज़ारा हमारा मुंतजर था। पीर चनासी काफ़ी ऊंचाई पर वाकिया है, एक तो ये बहुत खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है, और दूसरा यहाँ पर मशहूर बुजुर्ग सैयद हुसैन शाह बुखारी का भी मज़ार है। यहाँ पर हर किस्म की गाड़ी आ जा सकती है, लेकिन कमज़ोर इंजन वाली गाड़ी का आप पानी छानी चेक करके लेकर आएँ, क्योंकि पीर चनासी काफ़ी ऊंचाई पर वाकिया है जिसके बायस गाड़ी का इंजन गर्म होने का खदशा होता है। बाकी आप पीच नासी का रास्ता एंजॉय करें। जी तो ख़वातीन हज़रात, हम लोग अब पहुंच चुके हैं पीच नासी। अभी दुकानें वगैरह बंद लग रही हैं भाई, तो हमें तकरीबन 1.25 घंटा लग गया यहां पर पहुंचते हुए मुजफ्फराबाद से। और ये रहा भाई मज़ार सैयद हुसैन शाह बुखारी साहब का, और यहाँ इस यहाँ पर लोग आते हैं ज़्यारत के लिए। तो भाई यहाँ हमने बाइक अपनी पार्क कर दी, और ये आप देख सकते हैं इस ज़्यारत, इस मज़ार के पिछली साइड पे एक रास्ता सा जा रहा है। ये बेसिकली मेडोज़ हैं यहाँ पर, तकरीबन 1-1.5 घंटे की यहाँ पर हाइक है। आप यहाँ पर हाइक करके वो मेडोज़ की तरफ भी जा सकते हैं।
तो भाई ये अभी दुकानें शुकानें बंद है और ये रास्ता है यहाँ से आने का पीचनासी, जो मुजफ्फरबाद से रास्ता आ रहा है। तो भाई आप यहाँ पर अभी ड्रोन शूट इंजॉय करें पीचनासी का, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह रास्ते में। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in. We got some work, man. जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं फटिका खान। अभी फटिका खान किधर है? फटिका खान है जी, हम जब बीच नासी से नीचे उतरे और हमें कुछ पता नहीं लगा कि यार कब मुजफ्फराबाद है और कब निकल गया, तो हम लोग नीलम वाली जो नीलम वैली वाला जो रोड था उस पर चढ़ चुके हुए थे। तो उसमें ये सीन हुआ कि हमें कोई आइडिया नहीं हुआ, एनीवेज मतलब जो भी सीन चल रहा था, जो भी मामला चल रहे थे, तो वो सब चलता गया। तो भाई हमें लगी हुई थी यहाँ पर भूख, हमने सोचा था मुजफ्फराबाद से हम खाएंगे खाना। तो खाना हम वहाँ वो क्योंकि स्किप हो गया, बाईपास हो गया और नहीं पता लगा कि कहाँ से हम स्किप कर गए। तो खैर एनीवेज आप गूगल करके देख सकते हैं, जब भी अगर आप आना चाहें तो वहाँ से गूगल आप कर सकते हैं। तो 2 घंटे हमने पीचनासी लगाए और तकरीबन हम 4 बजे ऑलमोस्ट मुजफ्फराबाद आ चुके हुए थे। तो यहाँ पर अब हम खाना छाना खाएँगे, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। यहाँ पर भाई ने बाइक की नंबर प्लेट भी बनवानी है और हम मौजूद हैं फटिका खान। तो फिर स्टे ट्यून रहिएगा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। जी तो ख्वातीन हज़रात, आपको भी मैंने बताया कि हम कहाँ हैं, पटिका आज़ाद कश्मीर में है। तो आपके साथ हमारा सफ़र जारी है और रुहान भाई जो है ना, आप फर्स्ट अपीयरेंस है मेरे साथ है, जो कि अच्छे बड़े साइड व्यू में आ रही है, तो सही है। हाँ तो ये अभी हम बैठे हैं यहाँ पर नंबर प्लेट लगवाने के लिए। तो हमारे साथ क्या भाई आपका नाम क्या है? साद भाई। ये साद भाई हैं, नंबर प्लेट का काम शाम कर रहे हैं और जिनसे हमारी पहली मुलाकात हुई थी। आपका नाम क्या भाई? अली गिलानी भाई। और ये पटिका में हम लोग यहाँ पर नीचे मेन रोड से थोड़ा सा नीचे हैं, मेन रोड थोड़ा थोड़ी सी ऊपर आगे है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर प्लेट के लिए इनको कहा है हमें लगा के दें। और इसके साथ साथ यहाँ पर छोटा एक स्मॉल सिटी है, आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल सकती है यहाँ पर, वर्कशॉप वगैरह भी है। इसके अलावा लास्ट ATM भी यहाँ पर मौजूद है। ATM वगैरह वो थोड़ा सा हट गया सिटी से, मेन सिटी से, तो पीछे करके वो आता है। तो आप किसी से पूछेंगे, यहाँ पर सारे बड़े प्यार करने वाले लोग हैं और आपको बताएंगे कहाँ पर जाना क्या। बाकी इंशाल्लाह ताला आगे मिलते हैं। आपने कभी नंबर प्लेट लगवानी हो या छोटी मोटी कोई यहाँ पर डेकोरेशन करवानी हो बाइक को गाड़ी को, तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं। नजफ डेकोरेशन सेंटर है, यहाँ पर कोई भी डेकोरेशन वगैरह आपने करनी हो, करवानी हो बाइक को गाड़ी को अर्जेंट बेसिस पे, तो यहाँ पर हो सकती है। तो इंशाल्लाह फिर रास्ते में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड रहिएगा। जी तो ख़वातीनो हज़रात, अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ गामजन हैं, जहाँ जहाँ के हम अपनी नाइट स्टे करेंगे। तो बड़ा टाइम लग गया यार पटिका खान में, वहाँ पर हमने गाड़ी का नंबर प्लेट भी लगवाई बाइक की और वहाँ पर खाना शाना भी खाया, तो काफ़ी टाइम लग गया। और इस टाइम मगरिब का टाइम हो रहा है तकरीबन। तो भाई अभी हम अपने रास्ते पर हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम कोटन वाटरफॉल के आसपास जाके नाइट स्टे करें।
तो देखते हैं हम कहाँ जाके नाइट स्टे करते हैं, या जागरान वैसे हमारा था पॉइंट कि वहाँ जाके हम नाइट स्टे करेंगे। तो भाई देखते हैं कहाँ तक हम जाके अपनी मंजिल का आज के दिन का अख्ताम करते हैं। तो स्टे ट्यून रहिएगा। तो जहाँ पर भी नाइट स्टे की तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर नाइट स्टे की। यार हम लोग पहुंच गए हैं कुटन। कुटन वाटरफॉल भी थी, रात का टाइम है तो कुटन वाटरफॉल तो यार नज़र नहीं आई सही से। तो सुबह उठ के इंशाल्लाह कोई ड्रोन हल्का सा शूट लेंगे, ड्रोन शूट हल्का सा लेंगे। तो अगर लेट ना हुए, अगर ऑन टाइम हम उठ गए डेफिनेटली लेंगे। जहाँ पर मैंने स्टे की है, स्टे मैंने किया जी ईगल नेस्ट होटल पे। द काइंड ऑफ जो है होटल वो ठीक है, साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर अभी जो रेंट है वो तकरीबन 2500-3000 है, तो लेस कर लेते हैं। तो आप बार्गेनिंग करके लेस करवा लीजिएगा। तो इतना फ़िलहाल जो रेट चल रहा है। नॉन सीज़न है, सीज़न ख़त्म हो गया और होपफुली आपको मेरी आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि भाई ये बबून टॉप से नाला आ रहा है और इसका पानी का शोर है। तो फिर इंशाल्लाह अब हम स्टे करेंगे, दैन इंशाल्लाह सुबह सुबह हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स बाबून की तरफ। तो यहाँ पर तकरीबन ये मेन कुंडल शाही से तकरीबन ये होटल है 3-1 किलोमीटर, 3-3.25 किलोमीटर होगा। तो मज़ीद इसके आगे 20 किलोमीटर है जागरा। जागरा के बाद आता है ऑफ रोड, टोटल ऑफ रोड है। तो लेट्स सी, रूहान भाई भी साथ हैं और डबल है, तो देखें क्या सीन है। और बाकी बाइक यार बड़ी स्मूथ आई है और पीच नासी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली है, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। आप अगर मुजफ्फराबाद से यहाँ तक की बात करें तो तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, क्योंकि आराम आराम से आए हैं, सुकून से आए हैं, कोई भगड़ दगड़ कोई चक्कर नहीं लिया, खाना शाना भी बीच में खाया, चाय शाय भी पिए। तो तकरीबन हमें 4-4.25 घंटे यहाँ कुटन लगे हैं। इलाका था पीछे, वहाँ पर हमने खाना खाया, नंबर प्लेट बनवाई और आगे हमें तकरीबन ऑलमोस्ट वहाँ से आगे 3 घंटे लगे। उससे पहले तकरीबन 1.5-2 घंटे का मुजफ्फराबाद। तो 3-4 घंटे के दरमियान का रास्ता है, इतना लंबा चौड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हमने स्टे किया, आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ पर होटल्स अच्छे हैं, दरमियाने अच्छे हैं, बहुत 5 स्टार नहीं है लेकिन 2-3 स्टार आप होटल्स कह सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग, इंशाल्लाह ताला निकलेंगे, देन आपको दिखाते हैं क्या व्यू है क्या नहीं। जी इजाज़त दें, आज की एपिसोड यहाँ पर खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।